जी नाजरीन, एक और जबरदस्त कराची वाली से आज आपकी मुलाकात करवा रही हूँ। बहुत सारे लोगों से आज तक मिलवाती रही हूँ मैं, और मैं यही चाह रही हूँ कि आप लोगों तक इन लोगों की, इन अचीवर्स की पर्सनल लाइफ भी थोड़ी सी शेयर हो, पता चले कि ये तरक्की का सफर किस तरह किया। आज हमारे साथ मौजूद हैं, ड्रामा निगारी में बहुत अपना नाम रखती हैं, बहुत अच्छी शायरी करती हैं, बहुत हसीन जज्बात और खूबसूरत अल्फाज इन पे कमाल हासिल है इन्हें। हमारे साथ मौजूद हैं सीमा गजल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खूबसूरत अल्फाज, खूबसूरत अंदाज, इजहार, ये कितनी कमाल की बातें हैं। तो कैसे शुरू से थी ये? तो मेरे ख्याल में तबीयत पे होता है, फितरत पे होता है। तो वो जो कहते हैं ना कि बुत पुतला, बुत उस वक्त बनाया जाता है जब मट्टी पुतला बनाने वाली हो। सही। तो अगर आप रेत में, मतलब खमीर ऐसा हो, ठीक है, ठीक है। तो वो थी, वो हमारी थी, क्योंकि पापा शायर थे। बिल्कुल। भाई जुबैर अब्बासी राइटर, हिजा अब्बासी शायरा, इन्हें मेरे खानदान में बहुत लोग लिखने लिखाने से था, सबका ताल्लुक किसी से। तो हम, हमारा रोजी बादफ फैमिली थी। अच्छा ये बताएं, बादफ फैमिली तो अदब के हवाले से बात है, बचपन में कैसी थी? बादफ थी, बेअदब थी, शरारती थी? देखें, शरारती तो मैंने की, शायद हूँ लोगों को पता हो कि शरारत करती, लेकिन मैं गुस्से की तेज थी। अच्छा। और अब भी हूँ। अच्छा। मुझसे गलत बात बर्दाश्त नहीं। सही, ठीक है। मतलब मैंने, भाईजान मुझसे बहुत बड़े थे, जुबैर अब्बासी मेरी मुझसे बड़ी बहन थी, उनकी डेथ हो गई, फिर भाई थे, लेकिन होता ये था कि वो पिटके आते थे। अच्छा। तो अगले दिन मैं उन लोगों को जाती थी। ये होता है, मेरी बड़ी बहन का भी यही हाल था, वो पिट के आती थी और मैं उससे कहती हूँ मैं तुम्हारी वजह से लड़ाका हुई, मेरी सारी लड़ाइयाँ तुम्हारी वजह से। तो आपका ये होता है, छोटे बहन भाई बड़ा, ये मोहब्बत का इजहार है। बिल्कुल। बाप को मारा और आप पिट के कैसे आ गए? पिट के आ गया। सही। तो अगले दिन मैं प्लान करती थी, ठीक है, एक दो हफ्ते जैसी लड़कियां जमा करके पूरा गैंग लेके। जबरदस्त। ये बात है ना सीमा जी की, ये बात आप लोगों को यकीन नहीं पता होगी, और उन लोगों के लिए ये एक बिल्कुल वार्निंग है जो अगर कोई गलत बात सोच या करने का इरादा रखेंगे। मतलब औरत, ठीक है, तो इजहार का और अपने पूरे एक्सप्रेशन का मतलब इजहार करना चाहिए। बिल्कुल सही। मतलब मैं दब दब के रहने वाली तो सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल नहीं पैदा होता। ना बच्ची थी उस वक्त, ना औरत हूँ दब के रहने वाली। ठीक है, जबरदस्त। ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है आपकी, क्योंकि हम जो माशरा देखते हैं उस माशरे में औरत को स्ट्रगल अगर एक मर्द की नस्बत कई गुना ज्यादा करनी पड़ती है अपने आप को मनवाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए, और आपने बहुत अच्छी अपनी एक पहचान, एक शनाख्त बनाई। एकेडमिक कैसी थी, पढ़ाई में कैसी थी? मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और मैं बहुत पढ़ना चाहती। अच्छा। थी, ये मेरी बदकिस्मती थी कि छोटी थी तो पापा की डेथ हुई। सही। मैं मैट्रिक में थी जब। अच्छा। पापा की डेथ हुई, उस वक्त मैं बच्चों की, आओ बच्चों कहानी सुनो रेडियो पर, रेडियो पाकिस्तान पे आप करती थी, तो मैं लिखना चाहती हूँ, मैं लिखती थी। तो अब बाकी समझे आप, ग्रेजुएशन तक मैंने घसीट घसीट के किया, जिसका मुझे अफसोस है, जो प्रॉपर मतलब तालीम होनी चाहिए, वो वालदैन की सरपरस्ती में जो तालीम होती है उसके आप नहीं मजा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो नहीं हो सकी। जैसे तैसे ग्रेजुएशन कर लिया, लेकिन मैं उससे इतने मुतमईन हूं, मैं बहुत पढ़ना चाहती हूं। मेरे ख्याल है काबिलियत डिग्रियों में पाबंद नहीं है। नहीं नहीं रहती, बिल्कुल नहीं रहती। बिल्कुल हो जाता, मेरे पास कागज आ जाता है कि मैंने MBA या मास्टर या PhD कर लिया, लेकिन जितना मैंने अभी पढ़ा है, जितना मैं अभी तक जानती हूँ, मेरे ख्याल में इससे ज्यादा मैं जान भी नहीं। काबिलियत है ये, आप जैसे तालीम थी और क्योंकि वालिद साहब नहीं थे, तो जरा सा एक लाइफ में एक गैप आ जाता है। तो ऐसा तो नहीं था शख्सियत में, मगर आप बड़ी मजबूत हैं, कोई कमजोरी नहीं नजर आती। स्टूडेंट लाइफ में कैसी होती थी, उसमें भी लड़ती भिड़ती थी, मारती पीटती थी? मतलब मैं देखें, मुझे, मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकती, ठीक है, यानी मुझे, मैं मिसाल आपको देती हूँ, जब मैं दोशीज़ा में थी, दोशीज़ा की आपको मालूम है कि मैं 12-12.5 साल है, वो हमारे एक मुख्तसर से साथ रहा है। तो वो अच्छा, वहाँ से हम आते थे वैन में, नॉर्थ हैदराबाद में मैं रहती थी, वैन में हम आते थे तारिक रोड आदम मार्केट, आदम मार्केट में। तो मेरी एक दोस्त है आजरा, वो भी वहाँ थी,
तो फिर हम दोनों साथ जाते थे, साथ आते थे। सही। तो वैन में हम जा रहे थे तो मैं इधर खिड़की की तरफ बैठी थी और वो मेरे यहाँ साथ बैठी थी। अच्छा। तो हर सेकंड दो सेकंड के बाद मैं महसूस करूं कि वो जरा मेरी तरफ दब रही है। अच्छा। तो मैंने, लोग खड़े होते थे बस में, बिल्कुल पब्लिक बस, तो मैंने एक दो दफा देखा कि क्या बात है, फिर मेरे से पूछा क्या बात है। अच्छा। तो वो अजीब सी डरी हुई ना कि नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। अच्छा, घबराहट का शिकार। अच्छा, मैं समझ गई कि जो खड़ा हुआ है लड़का सही, वो कोई हरकत कर रहा है। अच्छा। मैंने उससे कहा तुम इधर आ जाओ, मैं खड़ी हो गई, मैंने कहा तुम इधर आ जाओ। जबरदस्त। वो जल्दी से खिड़की की तरफ आ गई। हां जी। अच्छा, मैं इधर बैठ गई। अच्छा। दो सेकंड के बाद मुझे लगा उसके जो हाथ में बैग था वो मेरी टांग पे टकराया। अच्छा। अच्छा, मैंने बैग को देखा, फिर पूरा उसको देखा, ऊपर से नीचे तक उसका, सीधी बैठ गई। फिर दोबारा थोड़ी देर के बाद हुआ, फिर दोबारा। उसके बाद जब उसने कंधे पे मेरे हाथ टच किया, मैंने खड़े होके जोरदार थप्पड़ मारा। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। हंगामा मच गया। अच्छा, वो घबरा के रास्ते में एक मोड़ आया, वहां बस रुकी तो उतरा वो। अच्छा। तो कहता है कि तुम्हें देख लूंगा मैं। मैंने सीढ़ी तक आई हूँ मैं चलती बस में। अच्छा। और मैंने उसको कहा कि मैं रोज आना सुबह 9 बजे यहीं से जाती हूँ और शाम को इतने ही बजे रोज आना वापस आती हूँ, आओ। जबरदस्त, बहुत अच्छा काम किया। और ये लड़कियों के लिए बहुत जबरदस्त है, डरना नहीं चाहिए। दोस्त का जिस वक्त मैं ये सब कर रही थी, मेरी दोस्त कांप रही थी, कांप रही थी, उसका बस नहीं चल रहा था, वो खिड़की से बाहर चली जाए। सही। बात ये है कि मैंने इसी तरीके से हर फील्ड में अपने आप को मनवाया। ठीक है, मजबूती के साथ। यस, जम के बिल्कुल। मगर मछू से लटके मैंने अपने आप को मनवाए। देखो, मेरे किरदार पे मैं बात करने की इजाजत किसी को नहीं देती। आप मेरी तारीफ भी ना करें, आप बुराई भी ना करें, तो क्या जानते नहीं। सही बात है, बिल्कुल। जाने तो मेरे जानने वाला मुझे कुछ कहेगा, मेरी तारीफ करेगा या मेरी बुराई करेगा, मैं सुनूंगी। लेकिन आप मुझे नहीं जानते। हाँ। तो बेवजह की बकवास नहीं। हमारे माशरे में औरत पे तबसरा है, एक एक्टिविटी है। बिल्कुल, एक्टिविटी। आप मेरे काम पे तनकीद भी करें, आप मेरे काम की तारीफ भी करें, इसकी पूरी छूट है, पूरी छूट है। बिल्कुल सही, इससे ज्यादा नहीं। सही, बहुत बहुत ही मजबूत सोच है और बहुत ही अच्छे तरीके पे बात को डिलीवर करती हैं। जितना खूबसूरत लिखती हैं उतना ही मजबूत और पुख्ता अंदाज में सरवाइव भी करती हैं। और मेरा ख्याल है कि हमारे माशरे में तमाम खवातीन को इसी तरह मजबूती के साथ चलना चाहिए, अपने आप को मनवाना चाहिए, अपनी पहचान बनानी चाहिए। बहुत सारी बातें होंगी सीमा जी से, बहुत सारे सीक्रेट्स भी हम डिस्क्लोज करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हाँ, बस ताने अपनी जुबान में ही अच्छे लगते हैं, अंग्रेजी में नहीं मारने चाहिए। तेरी मेरी जोड़ी दूर अंदेश बड़ा तंग नजर होता है, वो जुल्म के खिलाफ आवाज दे। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही जबरदस्त दिलचस्प शख्सियत सीमा गजल, आप सबकी जानी पहचानी, और आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं इनके ड्रामों को। सीमा जी, आपके ड्रामों को लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत ही एक अलग अंदाज में आपने शुरू किया। पहले हमारे पास ड्रामे आते थे, हम देखते थे, अगर हम बहुत माजी में जाएं तो अशफाक अहमद थे, बानो कुदसिया थे, मुन्नू भाई थे, तलख बातें होती थी और बहुत सादगी से हो रही होती थी। आपने थोड़ा सा उसको रैप अप भी किया, थोड़ी तलखियों को शुगर कोटेड करके आपने पेश किया। नहीं, जान तो मुझे लगता है कि मैंने ग्लैमरस कर दिया जी। अच्छा, देखें उसकी वजह है। अच्छा, मैं उसको शुगर कोटेड इसलिए कहूंगी कि आपका मौजू तो वही रहा, लेकिन थोड़ा सा उसको आपने नए एरा में लेके आ गए। यहाँ पर देखिए, हमें अपने दौर के साथ रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है ना। आप 20 साल पहले की जिंदगी आज नहीं गुजार सकते, इसको मान लीजिए। सही। जो आपने 20 साल पहले लिखा था वो आज नहीं चलेगा, ठीक, इसको भी मान लीजिए। सही। तो आप, मैं, मामलात जो हैं, जज्बात जो हैं, इंसान जो है, ये तो अजल से ऐसे चला रहे हैं। बिल्कुल। उसकी सारी सोचें अपने माशरे के गेट, अपनी रिवायात से जुड़ी भी होती है, अपनी तहजीब और तमद्दुन से जुड़ी भी होती है, वो जुड़ी रहेंगी। एग्जैक्टली वो वैसे ही हैं, मसाइल भी वैसे ही हैं, मसाइल भी, बल्कि मसाइल और ज्यादा हो बढ़ गए। लेकिन आज के इंसान में जो तब्दीली आई है,
उसे मैं अगर नहीं लिखूंगी तो उसका मतलब है कि मैं इर्तका का जो फॉर्मूला है उसको रद्द कर रही हूँ। सही। इसका मतलब है कि खुद मैंने भी इर्तका नहीं किया। सही। अगर मैं 20 साल पहले का ही घर में मैनेजर वाला ड्रामा लिखूं कि घर में मैनेजर रखा जाता है तो इसका मतलब है मैंने भी इर्तका नहीं किया, मैं भी इर्तकाई मनाजिर से नहीं गुजरी हूँ, मैं उन्हीं पे साक्षियों पे खड़ी हूँ जो माजी में थी। ठीक। मैं ऐसा नहीं कर सकती और मेरे ख्याल में किसी को भी नहीं करना चाहिए। सही। हाँ, हमें ये देखना है कि आज का सच और आज का झूठ क्या है, होना क्या चाहिए, हमारी रिवायात और तहजीब और तमद्दुन क्या कहता है। तो मुझे ये दोनों को मर्ज करके, ठीक है, मुझे यहाँ से वहां तक एक इतनी बारीक रखी खींचनी है कि जो लोगों को महसूस ना हो और लोग इधर से उधर आ जाए। ठीक है। कि हम आज भी ऐसे रह के भी ये कर सकते हैं। अच्छा, आपने एक ट्रांजिट फेज बना दिया कि माजी से और हाल का सफर। और वो कैसे होगा, जिस तरह हमने देखते हैं कि हमने टेक्नोलॉजी का सफर किया, टेक्नोलॉजी का इस तरह हमने सोचों का सफर किया, तो आपने सोचों का वो एक सफर बहुत खूबसूरत किया। मैंने बड़े बड़े लोगों से, जो सीनियर्स हैं उनसे मैंने तंज सुने हैं कि हाँ जी ड्रामा तो अब कहीं कहीं, अरे कल की बच्ची है, ठीक ड्रामा है, ठीक आ रह गया है, ठीक है। अच्छा, ड्रामा तो ग्लैमरस का नाम है, ग्लैमर है सारा कुछ, तो उस पर मैं सवाल करती हूँ कि अच्छा है, आपके नजरिए बहुत से लोगों को पता भी चलेगा कि ग्लैमर देखे उस वक्त भी था, आज से 25-30 साल पहले 40 साल पहले जब शहजोरी आया था तो लड़कियां दीवारें नहीं कूद सकती। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो ये मस्जिद के इकदार से हट के था। बिल्कुल। तो ये कहा जाता है लेकिन ये मस्जिद के इकदार और वो सब नहीं। मैं उनको याद दिला, मैंने हसीना आपा का भी इंटरव्यू किया था अपने इसी सीरीज में, तो मैंने यही कहा था कि उस दौर में आपने एक नई बात की, एक नया उस वक्त तनकीद, उनका भी यही कहना था, बिल्कुल उनको भी वही तनकीद का सामना करना पड़ा था जो आपको पड़ा है, लेकिन वो फिर हमारे ग्रामों को पे ये तनकीद नहीं कर सकती। बिल्कुल, क्योंकि ग्लैमर आपने भी इस्तेमाल किया था, शरारा नहीं पहनते थे उस जमाने में लड़कियां, वो पहने रही, जेवर टाइप का जूड़ा चला था वो लगाए रही, आर्टिफिशियल पलके फैशन कर ही नहीं सकती थी। अच्छा, ये तो हो गया ग्लैमर जो उसमें था, क्योंकि उस जमाने में ये कुछ था, आज बिल्कुल इस जमाने में ग्लैमर का कुछ और है। ठीक है, तो मैं आज का ग्लैमर दिखा रही हूँ, आपने कल का दिखाया था, बिल्कुल इस पर आपका इतराज खत्म हो जाता है। वैसे कहते हैं आपका ड्रामा जिस चैनल पे चल रहा होता है चैनल को बिजनेस अच्छा मिल रहा होता है, उस पर मेरे ऊपर इतराज। ठीक है, ठीक है, ये तो आप सेलिंग नेम हो गया ना आपका। अच्छा, मैं जो बात कह रही थी जोरदार थी, शादी कैसे हुई, लव मैरिज हुई, अरेंज नहीं, लव मैरिज नहीं हुई, अरेंज मैरिज हुई। अच्छा। और मेरे मियाँ जो थे अरब थे, इराकी। अच्छा, तो किसने पसंद किया, भाई ने पसंद किया, भाई और भाभी ने। अच्छा, भाई और भाभी ने पसंद किया था तो वो हो गई थी शादी, कोई अंडरस्टैंडिंग अच्छी रही, बहुत अच्छी रही, एक अलग कल्चर से थे ना, बिल्कुल मुझे तवक्को नहीं थी, कहाँ से आ गए थे, कहाँ से इंपोर्ट किया था, कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे। ठीक है, लेकिन लकी बहुत हूँ मैं, मुझे बहुत ज्यादा अच्छे शौहर मिले। ठीक है, बहुत अच्छे, हालांकि उर्दू की जुबान नहीं थी लेकिन मेरे साथ मुशायरों में जाना, मेरी चीजें देखना, तो खालिस उर्दू बोलती हैं और लिखती हैं उर्दू में, और वो उर्दू सीख लिए थे थोड़े बहुत, सीख लिया था, सही, ताना उर्दू में देते थे। अच्छा। हाँ, बस ताने अपनी जुबान में ही अच्छे लगते हैं, अंग्रेजी में नहीं मारने चाहिए। ठीक है, सही, अच्छी उर्दू बोल लेते थे, अच्छी बोल लेते थे। ठीक है, तो अक्सर इंटरव्यूज वगैरह में बुलाते थे ये लोग। सही। तो मरीना का एक प्रोग्राम था एयरबाई का, मॉर्निंग में, उसमें उन्होंने बात करना चाहिए तो जवाब मैं देती थी। सही। तो वो कहती थी आप क्यों बोलती हैं, मैं कहती इन्हें ठीक से उर्दू नहीं आती, उर्दू नहीं आती, तो ये झिझकते हैं इसलिए। सही। तो बहुत अच्छे, अच्छी जिंदगी गुजरी है वो, तो जाहिर सी बात है एक सानिया है और जिंदगी ही है, ये ऐसे ही चल रही है, बेटा है आपका माशाल्लाह, बेटा है, फिल्म नहीं है, बिल्कुल डायरेक्टर है उसका, आप देख रही होंगी, बशर मोमिन है, उसामा के नाम से ही मशहूर, उन्होंने फिल्म भी की है, मैं शाहिद आफरीदी पहली उनकी उनकी फिल्म थी, हिमायों की जो थी वो उन्होंने डायरेक्ट की है, दिल इश्क, बशर मोमिन, काश मैं तेरी बेटी ना होती, और आजकल आ रहा है
तेरी मेरी जोड़ी वो भी अच्छे ड्रामे हैं सारे, बहुत जबरदस्त हैं, बहुत ही ज्यादा आपकी शायरी बड़ी ज्यादा दिल को जाके छूती है। शायरी भी कर रहे हैं? अच्छा, शायरी मैं करती थी बचपन से करती। अच्छा, लेकिन ये पहला शेर तो सुना दें जरा मुझे। पहला शेर मेरा ख्याल ये था कि मुझे अपना पहला शेर याद है, तो मैंने अपनी किताब की रुनुमाई में, मेरी दो किताबें आई हैं, जी बिल्कुल, मैं साहिब खुद बनाती हूँ 2013 में आई थी जी। और उसको परवीन शाकिर अवार्ड भी मिला है, और ये भी परसों मेरी रुनुमाई हुई है, इजरा किताब का हुआ है, उसका नाम है आधा सूरज आधा चांद। बिल्कुल, तो मुझे ये याद था कि मेरा पहला शेर है जो 13 या 14 साल की उम्र में मैंने कहा था कि कबल आगाज के अंजाम का डर होता है, कबल आगाज के अंजाम का डर होता है, दूर अंदेश बड़ा तंग नजर होता है, दूर अंदेश बड़ा तंग नजर। लेकिन मेरी किताब की जब रुनुमाई थी तो मेरी बाजी ने लोगों को बताया कि नहीं, सीमा को अपना पहला शेर याद नहीं है। अच्छा, मैं भी हैरान हुई कि भाई ये कौन सा तो इन्होंने बताया कि हमारे तख्ती बहुत लिखवाते थे पापा राइटिंग की वजह से। तो फिर बाजी ने बताया कि मैं छोटी थी और अम्मी ने, अच्छा तख्ती मैंने तोड़ दी थी, ये नीचे टक गई थी, वो अम्मी ने वही तख्ती जब मुझे मारी तो वो टूट गई। तो मैं रो रही थी, बाजी कहती है मैं घर में आई तो मैंने पूछा कि तुम क्यों रो रही हो, तो तुमने कहा कि तख्ती बनी बनकर टूटी, अम्मी ने हमें मार दिया। तो कहती पहला शेर तुम्हारा बिल्कुल ऐसा होता है, मेरी भी बड़ी बहन ने जब मुझे मारा था ना तब पहला शेर कहा था। अच्छा, आज तक याद है वो जुल्म के खिलाफ आवाज थी। ऐसी जुल्म के खिलाफ आवाजें जो है बुलंद करते रहेंगे और मजीद मजे मजे की बातें करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। बहुत कम लोगों में होता है। ये तो है, रदीफ काफी है, मिला लेते हैं सही हो जाते हैं। नाकाम इश्क में या मोहब्बत में नहीं लिखी। खुश आमदीद और बहुत मज़ेदार गुफ्तगू चल रही है और हमारे साथ मौजूद हैं सीमा गज़ल, और शायरी की भी बातें हैं, जज्बात की भी बातें और कुछ हल्की फुल्की बातें भी हैं। अच्छा, शायरी आपने पहला शेर जैसे अभी हमने ब्रेक से पहले डिस्कस किया, फिर उसके बाद किसने हौसला बढ़ाया कि नहीं तुम अच्छी शायरी करती हो, या इसलाह किसने दी? ये तो इतना ज़र्द बहुत कम लोगों में होता है। ये तो है कि तुम बहुत अच्छी शायरी करती हो। बिल्कुल, लेकिन मैं, मुझे देखिए, मैं एक बात की कायल हूँ और कि मुझे इजहार का सलीका अगर है सही नसर में या नज्म में या गजल, मैं करूँगी सही। वो अच्छा है या बुरा है की बात नहीं हो रही सही, टेक्निकल वो गलत तो नहीं है सही, टेक्निकल गलत होगा तो आप मुझसे कहो कि जरा ठीक कर दे, वो एक अलग बात है, लेकिन अब मैं टेक्निकल भी रदीफ काफी मिला लेते हैं सही हो जाते हैं ठीक है सब कर लेते हैं। बात ये है कि मुझे मेरा हौसला दिया मुझे मेरे शौहर ने। अच्छा, वो जब देखा करते, अच्छा मैं तो लिख के डाल दिया करती थी ऐसे ही, ये जमा कर देते थे एक डब्बे के अंदर, हाँ सारा डाल देते थे मेरा जबरदस्त। तो बाजी की किताब आई तो मुझे कहने लगे तो उनको पता चला किताबें भी आती हैं और ये मजमूए भी आते हैं, तो मेरे पीछे पड़ गए कि आप किताब लाओ। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये किताब के काबिल नहीं है। अच्छा, क्योंकि जाहिर इतनी नहीं है, फिर सिलेक्शन होती है, फिर 2-4 से क्या कैसे डालती है, पूरी गजल नहीं की तो टाइम नहीं मिलता था। वो कहते रहते थे किताब लाओ। अच्छा अच्छा, नहीं ला सकी, नहीं दिया मैंने ध्यान इतना, लेकिन इनकी डेथ के बाद अच्छा मुझे लगा कि जैसे वसीयत नहीं होती किसी, वो एक ख्वाहिश मेरे अंदर रही सही। ये कौन से सन की बात है? ये 2009 में उनकी डेथ हुई है। ठीक है, तो उन्होंने मुझे एक वसीयत की थी कि मुझे इराक ले जाना अगर कुछ हो जाए, मैं ले गई। तो ये एक चीज थी जो मैंने पूरी नहीं की थी, मेरे मेरे दिल ने दोबारा किया कि मैं ये भी पूरी ना करूँ, ये अगर पूरी ना करूँ उस के बस ये सोचना था ना, मेरा दिमाग जो था ना इस तरफ बहुत चल रहा था। मैं एक स्क्रिप्ट लिख रही होती थी तो जो रेस्ट लेती थी
तो उसमें एक नज़्म या गज़ल आराम से कर लेती थी, हो जाती थी, हो जाता था फिर सारा सिलसिला। हाँ, तो मतलब आपने बहुत ही चैलेंजिंग काम किया, वो टीन एज में करने वाले जो काम होते हैं, गजलें लिखना और नज़्में लिखना, वो आपने अपने करियर के बाद किया जब आप पीक पे थे। मतलब वो नाकाम इश्क में या मोहब्बत में नहीं लिखी, भाई जरूरी नहीं है शायरी नाकाम इश्क में लिखी जाए, ठीक है, ये सबूत है इस बात का। माशाल्लाह देखिए, आप मेरी पहली किताब 2013 में आई है जी, उसको पहला परमिशा के अवार्ड भी मिल गया। हाँ माशाल्लाह, जबकि पूरे कराची में से पहले कितनी कितनी किताबें लोग लाते हैं। कहते हैं सीमा गजल का तो नाम बस आ जाए तो फिर हर चीज परफेक्शन पे आ जाती है, ऐसा ये अल्लाह की तरफ से खास मेहरबानी है। अल्लाह की तरफ से, मतलब मैं बहुत लकी हूँ। सही, मैं नहीं जानती कि कैसे और कहाँ, इंग्लैंड में जाती हूँ 17-17, 18-18 मुशायरे मेरे लिए होते हैं, मैं पढ़ती हूँ। अमेरिका मुझे बुलाया, 11 मुशायरे मैंने पढ़े और बड़े अच्छे लोग उसे मिले, बड़े अच्छे लोग मुझे, तो मैं कैसे गई, कैसे इन लोगों, मतलब मुझे नहीं मालूम, करियर बनता चला गया, होता चला गया, होता चला जाता है। मेरा ख्याल है कि आपको पॉजिटिव रहना पड़ता होगा। जब तक आप पॉजिटिव नहीं होते तो कायनात में जितनी पॉजिटिविटी है ना, वो आपके लिए काम नहीं करती। जब आप पॉजिटिव होते हो, तो सब एक्टिव हो जाता है, और आपका पॉजिटिव हो जाता है, तो फिर वो पॉजिटिविटी आपके अंदर आती चली जाती है, बिल्कुल लाती चली जाती है। हाँ जी बिल्कुल, वो मैग्नेटिक फील्ड एक बन जाती है और उसमें सारी पॉजिटिविटी आती चली जाती है और वो आपको फिर बूस्टअप कर देती है, वो काम करती है, बिल्कुल हमें नहीं करने की। बिल्कुल, लोगों की कहा ना कि खुद ही को कर बुला देना, तकलीफ से पहले खुद आप बंदे से खुद पूछे तेरी रिजा क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इतना कर लेना जो हम चाहे फिर वो खुदा दे दे, वो खुदा दे दे। अच्छा, क्या समझती है, क्योंकि जो जिंदगी का एक आपका सफर है, स्ट्रगल तो बहरहाल होती है, बेपना, क्या टफ टाइम आया या किस किस्म के लोगों ने आपको बहुत ही ज्यादा टफ टाइम, बहुत ज्यादा सभी लोगों ने, सब ने दिया, लॉबी थी, बाहर के लोग थे या अपने खानदान के लोग थे, सब थे, दूर के सब थे। मैं आपको बताऊं, बल्कि मैं लोगों को लाजमी बताना चाहूंगी कि लोगों का ख्याल होता है कि शायद इनकी कोई सिफारिश होगी, शायद कोई पर्ची होगी, शायद कोई जान पहचान वाला होगा तो मैं आगे बढ़ी हूँ। नहीं, अच्छा नहीं, आप यकीन कीजिए, मैं एक गरीब बाप की बेटी, गरीब औरत थी, पैसा आया कभी ध्यान नहीं दिया और खत्म हो गया, कुछ नहीं। मैंने इतनी तकलीफ उठाई है, लेकिन एक दिन मैं बैठी नहीं, औरत होने के बावजूद मैंने मेहनत करना नहीं छोड़ी। मैं, मुझे ऐसा लगता है जैसे जब से मेरी आंख खुली है मैं तब से मेहनत कर रही हूँ। लोग ये समझते हैं कि टीवी पे आके ये कहना या लोगों को ये कहना कि हम मुंह में सोने का चमचा लेके पैदा हुए या टीवी पे कहेंगे या लोगों को कहेंगे तो ये कोई फख्र की बात है, नहीं। फख्र की बात ये है कि मैं जब बसों में सफर करके दोशीजा आती थी, जब मैं बस स्टॉप्स के ऊपर धूप में सर्दी में डेढ़ डेढ़ घंटा बस का इंतजार करती थी, जब मैं बस में खड़े होकर घर पहुंचती थी, वो वक्त मैंने गुजारा है जहां मुझे ये देखना होता था कि क्या मेरी तनख्वाह में से बाकी सब हो जाएगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि भाई मेरे पास एक ही औलाद थी, जो दो चार होती तो मैं तो जाया हो जाती पालने में उसके। सही, तो लेकिन मैंने इसको कोई अपनी महरूमी नहीं बनाई, ये मेरी महरूमी नहीं थी, बिल्कुल, मतलब आपने पूरे एतमाद रही है, मतलब ऐसा होता है किसी का कुछ नहीं छोड़ के जाता होता है ऐसा, कोई बात नहीं। ये मैं भी अपने बेटे से कहती हूँ कि मैं कुछ नहीं छोड़ के मरूंगी, बिल्कुल आप खुद करेंगे, अपने पैरों पे करेंगे, अपने हाथों से करेंगे, बिल्कुल अच्छा करेंगे अच्छा रहेंगे, बुरा करेंगे बुरा रहेंगे, मेरा मसला नहीं है ये। सही, उसी तरीके से हमें जो कुछ देना था माँ बाप ने वो दे दिया था, हमें इल्म दे दिया था, हमें तहजीब दे दी थी, हमें उसको इस्तेमाल करना था। तो मेरे बताने का मकसद ये कि मैंने बच्चा बहुत तकलीफों में पाला है, सही, मैंने बेपनाह मेहनत की है और मेहनत कर कर एक मैंने वो किया कि मैं मजबूती से खड़ी रही, ठीक, मैंने लोगों की बातों पर को उन बातों को मैंने नेगेटिव उसमें नहीं लिया, अच्छा
मैंने फेस किया, चैलेंज बना लिया, चैलेंज ठीक है। अच्छा ये कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये करके दिखाऊं। बिल्कुल, एक चैलेंजिंग लेडी हमारे साथ मौजूद है और प्रैक्टिकली इन्होंने हर चीज को चैलेंज भी समझा भी और उसको बाकायदा फेस किया और बहुत सारी कामयाबियां हासिल की। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। घर के पिंजरे में परिंदा पाल रहा, वो मैं जो आखिरी मौसम में तुमसे मिलने आई थी, लव उफ छूट प्री प्लान बोलती हूँ। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद, हमारे साथ मौजूद है सीमा गजल। और जब सीमा जी मौजूद हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ खूबसूरत शायरी ना हो। क्यों सीमा जी? जरूर बिल्कुल सुनाऊंगी मैं। जिक्र कर रहे थे आप लोग गैप में, हम बात जी बिल्कुल वक्फे में के ड्रामे, तो बहुत सारे ड्रामे ऐसे जो मुझे तो खैर याद नहीं है, 400 से ज्यादा लिख चुके हैं बिल्कुल, तो मुझे बहुत से लोग दूसरे याद दिलाते हैं कि वो भी आपने लिखा था। हाँ वो भी था, लेकिन जो मशहूर है जो मुझे भी याद की और पसंद की उनमें मैं चंद का नाम बता देती हूँ। मेहंदी, मेहंदी तो बहुत हिट रहा है, आना हमसे जुदा ना होना, ये चार वो हैं जिनको लक्स अवार्ड कंटिन्यू मिला। अच्छा, हर साल जबरदस्त। और उसके बाद आफ्ती है, इजाजत है, इश्क इबादत है, मेहरबानो, बहुत से। अच्छा जब आप लिखती हैं तो क्या अपने दिल की बात लिखती है या माशरे की बात लिखती है? नहीं मैं माशरे की बात करती हूँ, उसमें दिल की बात करने वाले एक कैरेक्टर जरूर होता है होना चाहिए, जहाँ पे आप अपने नजरियात, अपनी जो फलसफा है, परसेप्शन से है, वो आप उसमें एक रखती है कैरेक्टर जो खुद सीमा गजल की अपनी सोच होती है, अपनी जुबान बोल रहा होता है, कैसा रहता है वो? सही हो जाता है, डिलीवर हो जाता है जब ऑन एयर जाता है? मेरा ख्याल है जो मैं चीज कहना चाहती हूँ, पहुँचाना चाहती हूँ, वो पहुँचा देती हूँ। ठीक है, मेरे पसंदीदा, अपना को पसंदीदा क्या लगता है ड्रामा निगारी के अलावा, जैसे शायरी की हम बात करें? देखो ड्रामा निगारी जो है ना उसका ये है कि वो दूसरों के लिए है और कुछ उसमें प्रोड्यूसर कहता है कि नहीं आप इनपुट कर दो। नहीं इनपुट तो खैर मैं बहुत, अगर बहुत अच्छा होता है तो लेती हूँ, अदरवाइज में झगड़ा हो जाता है मेरे छोड़। ठीक है, उसमें कम से कम ये होता है कि कुछ ना कुछ हमें उनकी मर्जी शामिल करनी पड़ती है, मतलब हमें ये वाली सीरियल नहीं चाहिए, आप कुछ ऐसी इस मौजू पे हो, कुछ ये चीजें हाईलाइट हो, ठीक है। और शायरी? और ये हाँ शायरी, ये आप कहिए सीमा गजल को अगर आपने देखना है तो फिर मेरी शायरी में देखना। कौन सी चीज सबसे अच्छी अपना शाहकार लगता है? अपनी तो हर चीज शाहकार ही लगती है, ठीक है, लेकिन जो बहुत लोगों ने पसंद किया और जो इस माशरे की अक्कासी भी करती है, उसमें दो चार छोटी छोटी नज्में मैं सुनाऊंगी। कि एक मेरी नज्म, उसका नाम है परिंदा। परिंदा, बहुत शफाक हो तुम भी, बहुत शफाक हो तुम भी, मोहब्बत ऐसे करते हो कि जैसे घर के पिंजरे में परिंदा पाल रखा। वाह, कि जैसे घर के पिंजरे में परिंदा पाल रखा, परिंदा जबरदस्त। और एक नज्म है असासा। असासा, मैं अपनी कीमती चीजें भी अक्सर भूल जाती हूँ, जबरदस्त। कहीं भी जाके ठहरूं मैं, किसी के पास भी जाऊं, कभी टेरेस, कभी आंगन, कभी कमरे में भी अक्सर, कुछ अपनी पिछली यादों को, कभी कुछ चांद रातों को। वाह, और अक्सर अधबुने से कुछ अधूरे खाब के गुच्छे वहीं पर छोड़ आती हूँ, वहीं पर छोड़ आती हूँ, हमेशा भूल जाती हूँ, हमेशा। वो मैं जो आखिरी मौसम में तुमसे मिलने आई थी, बहुत खुश, तो कुछ तारे चमेली की बहुत थोड़ी सी खुशबू, मोहब्बत के सुनहरी नरम रेशम से बने बेसाख्ता जुमले यहीं पर रह गए मेरे। वाह, यहीं पर रह गए, यहीं पर रह गए मेरे, यहाँ दीवार पर मैंने चमकता चांद छोड़ा था। यहाँ दीवार पर मैंने चमकता चांद छोड़ा था, हंसी के मोतियों की एक माला थी जो तुमने गिफ्ट में दी थी। वाह, यहीं पर रह गई वो, यहीं पर रह गई वो, यहीं पर रह गई वो भी, मैं ठहरूंगी नहीं, मुझको बस अपनी कीमती चीजें ही लेनी है, तुम्हें जहमत बहुत होगी मगर ये सब मुझे दे दो।
तुम्हारे पास तो दुनिया के अब सारे खजाने हैं। वाह, मैं खाली हाथ बैठी हूँ, यही मेरा असासा है। यही मेरा असासा है, बहुत खूबसूरत जज्बात, बहुत खूबसूरत अल्फाज और बहुत ही इजहार का तरीका बहुत खूबसूरत है, बड़ा दिल फरेब वो एक जो जज्बात का आपने इसमें सारा जिक्र किया, बहुत ये खूबसूरती है, ये खूबसूरती है बहुत ही अच्छा। जैसे आप करती हैं दोनों सिंफ पे काम किया आपने, शायरी में भी माशाल्लाह और कमाल उरूज पे रही ड्रामा निगारी में भी, कहा जाए कि विच वन इज बेस्ट या आपको कौन सी ज्यादा पसंद है? मुझे कहेंगी तो मुझे अपनी शायरी ज्यादा पसंद अच्छा। है, मुझे अपनी शॉर्ट स्टोरीज जो तहजीबी अफसाने होते हैं वो बहुत पसंद है, ठीक है, लेकिन लोग मुझे ड्रामों की वजह से ज्यादा ज्यादा पसंद करते पसंद हैं। लोगों को कौन सी सीमा गजल पसंद है, ड्रामा निगार? ड्रामा निगार और आप पोएट? आप पोएट, ठीक है, यानी दोनों आप पहले, लेकिन इनिशियल ड्रामा निगार ज्यादा, और मेरा ख्याल है मासेस में ज्यादा उसी तरह पहचान लेते। अच्छा सीमा जी, बहुत सारी आपकी जैसे मिजाज में है, थोड़ी नटखट भी है, हंसती बोलती भी अच्छा है, हंसती बोलती मैं हंस के जिंदगी गुजारना पसंद करती हूं। ठीक है, हमारा एक सेगमेंट है उसमें जरा बहुत लाइवली मूड में बात करनी है, रैपिड फायर, तेजी तेजी छोटे छोटे सवाल और छोटे छोटे जवाब, ठीक है करें। लव जिंदगी है, जिंदगी और लव स्टोरी? लव स्टोरी झूठ, झूठ है, ठीक है। माँ? तकदुस, तकदुस। पॉलिटिक्स? उफ। साड़ी? ओह लव यू, लव इट, लव इट। अच्छा पायलेसी? हाँ पसंद नहीं, हेट करती हूँ बहुत। हाँ यानी वो नहीं कुछ कह सकते, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट्स? ठीक है, ठीक है, होना चाहिए, होना चाहिए। झूठ? उफ नफरत, नफरत। अंडे? मैं बहुत पसंद करती हूँ। ऐसे सवाल पूछेंगे हम आपसे? नहीं, मैं बहुत पसंद करती हूँ, पसंद करती हूँ। इंकलाब? हाय काश आ जाए, आ जाए, आ जाए, ठीक है। यूनिटी? बहुत जरूरी, वो भी काश आ जाए, ठीक है। फूल? जरूरी है, जरूरी है। और डंडा? बहुत जरूरी है। फूल से भी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आम? मैंगो? नहीं पसंद नहीं करती हूँ, लोग खाते हैं, ठीक है, लोग खाते हैं खाते रहे, हमें क्या, ठीक है। नोट शेडिंग? बुरी बुरी बात है, करप्शन, ये भी करप्शन है। होप उम्मीद? बहुत बड़ी जिंदगी की मतलब एक मिजान, एक चीज जिसपे जिंदगी कायम कायम है, बुनियाद। और भत्ता? नहीं बुरी बात है, बुरी बात है, नहीं होना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस? नहीं मुझे अच्छा तजुर्बा नहीं है, अच्छा तजुर्बा नहीं है, ठीक है। और कराची? कराची आई लव इट, ठीक है। सबसे आखिर में सीमा गजल? सीमा गजल मतलब मैं अभी अभी खोजना बाकी है अपने आप को, अच्छा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना है कि मैं किसी को तकलीफ देना पसंद नहीं करती, ठीक है। छूट प्री प्लान बोलती हूँ, कम बोलना पड़ता है इसीलिए, बेसास्ता नहीं बोलती हूँ, बेसास्ता नहीं, मुझे तैयारी से ठीक है कि जब मैं अगर इसको ये कह लूंगी आज ये बयान देना है, ठीक है, लिहाजा इनको ये नहीं इस तरह से कहना चाहिए वाली बात है, लेकिन मैं झूठ पसंद नहीं करती, पसंद नहीं करती। अच्छा अगर झूठ ये नहीं पसंद, बिल्कुल, अगर कोई दोबारा जिंदगी मिलती है तो क्या बनना पसंद करेंगे? सीमा गजल? नहीं मैं यही बनना पसंद, यही पसंद करेंगे। यस। कोई पछतावा जिंदगी में? बहुत अरसा जिंदगी का मैंने बहुत गलत लोगों के साथ गुजारा, यानी वो मैच नहीं करते थे, मैं पसंद नहीं करती थी, तो मैंने जाया किया वक्त, और बाद में मुझे तजुर्बा, मिसाल के तौर पर दो साल गुजार के उनके साथ ताल्लुकात रख के, दोस्ती रख के, रिश्तेदारी रख के, उनके लिए बहुत कुछ करके, दो साल के बाद तजुर्बा हुआ, तो हर दो साल के बाद ये तय होता रहा कि मैं ज्यादा बेवकूफ हूँ।
अच्छा ठीक है, मतलब आपके पास वो जजमेंट आती रही, टाइमली आती रही, ठीक है। तो अब किस मेयार पे, किस पैमाने पे पहुंच गई बेवकूफी? पिछले दिनों मैं सोचती थी कि मैं इस उम्र में बेवकूफी वैसे बेवकूफी के लिए उम्र की कैद होती भी नहीं, ठीक है, कभी भी धोखा खा, कभी भी धोखा खा सकते हैं। असल में जब आप सच्चाई से यकीन रखते हैं तो धोखे बहुत आसानी से लोग दे जाते हैं। मेरा ख्याल है यही वजह होती है जो हम अपने आप को फिर कहते हैं कि हम बेवकूफ जी। तो हम बेवकूफ नहीं होते, हमारे जज्बे सच्चे होते हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त बहुत मुख्तसर है और आपकी इल्मी काबिलियत, आपके काम, आपके अवार्ड्स, बहुत ज्यादा बातें हैं, बहुत सारे अवार्ड्स हैं मैंने पूरे घर में देखे हैं, तो कुछ कहना चाहेंगी पाकिस्तान के लोगों से, बिलखसूस कराची की आवाम से, और कराची के लिए क्या कहना चाहेंगी? देखिए कराची के लिए तो मैं कराची के आवाम को एक बात कहना चाहूंगी कि यही लोग जाते हैं जब बाहर, तो कल भी मैं एक प्रोग्राम में थी, मुझे अफसोस हुआ वो सोच सुन के कि जी बाहर तो ये सब कुछ हो रहा है और हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट ये नहीं करती, गवर्नमेंट यकीनन नहीं करती। मैंने उनको भी कहा, मैंने कहा गवर्नमेंट को एक तरफ छोड़ दीजिए, आप नहीं करती, वो मजम्मत करने के लिए पैदा हुई है, मजम्मत करके काफी फारिग हो जाती है। सवाल ये कि मैं बिल्कुल चिप्स खा के गाड़ी में से शीशा उतार के पेपर फेंक देती हूँ, कितना अलमिया है, लेकिन मैं दुबई जाती हूँ, अमेरिका जाती हूँ, लंदन जाती हूँ तो वहाँ मैं नहीं फेंकती, क्यों? सही। तो उन्होंने कहा कि जी वहाँ का कानून, मैंने कहा नहीं, आप वहाँ पर मतलब अगर ये ना सफाई इतनी होती है, मतलब आपको पता है ना सही और गलत, आपको पता है, बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल। तो आप एक तो कराची, मैं बहुत खुश हूँ कि कराची में कुछ बच्चे ऐसे निकले हैं जो कराची को साफ करना चाहते हैं, काश मैं भी निकल सकती कि मैं भी लेके खड़ी हो जाती, झाड़ू और साफ करती और लोगों को दिखाती कि ये चॉपिंग्स हटा रहे हैं, मेरा शहर है, मेरा घर है, बिल्कुल मैं निकलती हूँ उन सड़कों पर, मैं जाती हूँ बाहर। तो एक तो ये मैं चाहूंगी कि वाकई साफ सुथरा हो जाए, खुदा करे सिर्फ गवर्नमेंट में कोई एक जागता हुआ शख्स पैदा हो जाए जो उसको देख ले, वरना सब सोए हुए हैं, बिल्कुल कहीं कुछ और सोचेंगे और कहीं और डेरे डालें, ये मुमकिन नहीं हमारे लिए भी, और यकीनन पाकिस्तान के हर शहरी को यही मोहब्बत है और यही खलूस है जो आज तक 20 करोड़ आवाम इस मुल्क में मौजूद है। लेकिन एक बात यही है कि हमें दूसरे ममालिक में जाके जो अदब और तहजीब याद आ जाती है, कभी कभी अपने मुल्क में भी उसका इतलाक कर लेना चाहिए। हम देखते हैं कि कोई खूबसूरत सी जगह हमें अपने मुल्क में नजर आती है तो हम उसको अप्रिशिएट करने के बजाय कहते हैं अरे ये भी पाकिस्तान का हिस्सा है, तो ये हमारे लिए बाइस शर्म है। हमें फख्र करना है और हर हिस्से को इतना खूबसूरत बनाना है जो वाकई लगे कि यह खूबसूरत पाकिस्तान और खूबसूरत कराची है। हिना नकवी को पूरी टीम के साथ इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।